हे गाइस वेलकम बैक। आज के वीडियो में तुम लोग देखने वाले हो ब्लैक क्लोवर मांगा के 6 चैप्टर्स को, चैप्टर 331 से चैप्टर 336 तक, जहाँ पे हम लोग देखेंगे सिस्टर लिली ने आस्था को मार दिया है। एंड हम लोग ब्लैक क्लोवर के मेन विलेन को भी देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो अगर आप लोग एक्साइटेड हो ये सब कुछ जानने के लिए देन इस वीडियो को पूरा देखो और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 331 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं नैच यूनो को मिलवाता है पेड किंगडम के करंट क्वीन सीएल ग्रीन बैरियल से, जो यूनो की मदर है। यहाँ पे यूनो को याद भी है कि ये उसकी मदर है। यूनो की मदर यूनो को सेप देख के बहुत ही ज्यादा खुश थी। यहाँ पे सीएल बोलती है तुम खुद को देखो, तुम कितने ज्यादा बड़े हो चुके हो। तभी रेजिस्टेंट टीम के मेंबर्स बोलते हैं मास्टर यूनो आप क्या स्पेड किंगडम में वापस आना चाहोगे, हमारे नेशन को आपकी पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब यहाँ पे सीएल यूनो को बोलती है मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है एंड तुम इन सभी चीजों को सीधा सीधा एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, मुझे पता है। तब यूनो बोलता है मैं फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता, बट मैंने एक वादा किया है, मुझे उस वादे को पूरा करना है। मैंने जिस इंसान से वादा किया है वो क्लोवर किंगडम में मेरा फैमिली है, मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा राइवल है। यहाँ पे यूनो बोल रहा था आस्था के बारे में। तभी हम लोग देखते हैं सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पे आस्था लिबे को थैंक्स बोलता है बिकॉज लिबे की मेमोरीज में आस्था ने कुछ मोमेंट के लिए उसकी मॉम को देखा था। आस्था लिबे को बोलता है मैं कभी भी अपनी मॉम के ऊपर गुस्सा नहीं था फॉर अवेंडिंग मी, जब मुझे ये बात पता चला कि वो मुझसे प्यार करती है ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। यहाँ पे आस्था इसलिए लिबे को थैंक्स बोलता है। तब लिबे बोलता है यू इडियट, ये मेरी लाइन है, तुम्हारी वजह से मैं लिचिता के डेथ का रिवेंज ले पाया, थैंक्स आस्था। एंड अब मेरी बारी है, मैं तुम्हारे ड्रीम को सच करने वाला हूँ। आस्था ही बोलते हैं हाँ मैं विजर्ड किंग बनने वाला हूँ, और इसके साथ साथ योनो भी बोलता है मैं विजर्ड किंग बनने वाला हूँ। तब आस्था बोलता है सबसे पहले मैं सबको एडमिट करवाऊंगा कि तुम एक अच्छे बंदे हो, स्पेशली उस मैजिक पार्लियामेंट पर्सन को जो स्केल के साथ खड़ा रहता है। आस्था यहाँ पे बात कर रहा था डेमिनाटियो के बारे में। लिबे बोलता है मैं उस बंदे को हेट करता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं डेमिनाटियो को जो पैदल कहीं तो जा रहा था। फिर सीन चेंज हो जाता है, हम लोग देखते जूलियस को। यहाँ पे जूलियस सोचता है कि स्पेड किंगडम का बैटल खत्म हो चुका है एंड ये बात सुनके मैं बहुत ही ज्यादा रिलीव्ड हूँ, बट यहाँ पे कुछ तो अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे कुछ तो बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा है। तब से जब जूलियस सभी लोगों के सामने आ गया था अपने छोटे फॉर्म में, नहीं तब से भी पहले। तभी हम लोग देखते हैं डेमिनेटियो आता है जूलियस के पास जो बोलता है लॉर्ड जूलियस मुझे आपके साथ बात करना है। डेमिनेटियो यहाँ पे बोलता है कि वो डेविल्स के एग्जिस्टेंस के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा था एंड क्लोवर किंगडम के एक डेविल होस्ट ट्राइब को रिसर्च करते करते डेमिनेटियो को बहुत सारे मटेरियल्स मिल गए। यहाँ पे हम लोग देखते बहुत सारे कागज को जिनको डेमिनेटियो इस टेबल में रखता है। डेमिनेटियो बोलता है ये सभी रिकॉर्ड है 20 साल पहले का, बट यहाँ पे कॉलीपोथ के 3 सुप्रीम डेविल्स में से एक डेविल बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा है, ये डेविल इन रिकॉर्ड्स में नहीं था जिसका नाम है मेगिकुला। डेमिनेटियो बताता है अंडरवर्ल्ड में 3 डेविल्स रूल करते हैं, पहला तो लूसीफेरो जो ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है जिसे सैटर्न के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा है ब्लिजेबब जो स्पेशल मैजिक का यूज करता है एंड तीसरा है आस्तारोड जो टाइम मैजिक का यूज करता है। एंड ऐसा लगता है कि मेगिकुला को आस्तारोड के सक्सेसर के हिसाब से चुना गया था, फॉर सम रीजन आस्तारोड वैनिश हो गया था अंडरवर्ल्ड से एंड ये कॉइंसिडेंस हो सकता है, बट हमारे वर्ल्ड में मैं जितना जानता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइम मैजिक यूजर है। एंड तभी जूलियस बहुत ही ज्यादा डरते हुए बोलता है आई सी देन इट रियली इज मी। एंड इसी बीच डेमिनेटियो सोचता है मैं श्योर नहीं हूँ, सर्टेन नहीं हूँ, बट मुझे बताओ मैं रॉन्ग हूँ। डेमिनेटियो भी चाहता था कि उसकी बातें गलत निकले जिस डेविल ने इस किंगडम में अपना होस्ट चुना है। तभी यहाँ पे जूलियस डेमिनेटियो को बोलता है डेमिनेटियो जल्दी से मुझे रोक लो। तब डेमिनेटियो जूलियस को रोकने का ट्राई करता है, बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं जूलियस की छोटी फॉर्म बड़ी हो जाती है एंड वो डेमिनेटियो को रोक लेता है। यहाँ पे जूलियस बोलता है तुम इस चीज को सच मानना नहीं चाहती हो। तभी हम लोग देखते हैं जूलियस का जो बिना कवर का ग्रिमोर था वो एक कवर वाला ग्रिमोर में बदल जाता है। एंड हम लोग यहाँ पे उस डेविल को देखते हैं जो अभी आस्था एंड लूसीफेरो की फाइट को देख के आया था। वो बोलता है हे डियर तुमने जैसा बोला था वैसा ही हुआ, लूसियस जोंग्रेटिस, हमें पता चलता है इसका नाम लूसियस है एंड इसके बारे में हमको पता चलेगा इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखो। लूसियस यहाँ पे बोलता है हाँ अभी समय आ चुका है एंड यही पे चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 332 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं लूसियस यहाँ पे लूसीफेरो के सामने था एंड लूसीफेरो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डैमेज था। एंड आपको मैं बता दूं कि ये लूसीफेरो वो वाला नहीं है जिसे आस्था ने मारा था, ये लूसीफेरो का अदर हाफ है जो अंडरवर्ल्ड में रह गया था। यहाँ पे लूसियस ने अंडरवर्ल्ड के 7th गेट में जाके लूसीफेरो को मार दिया है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे लूसीफेरो बोलता है यू फूल, मैंने अपनी आधी बॉडी को खो दिया है बट अभी भी मैं द किंग ऑफ द डेविल लूसीफेरो हूँ, मेरे पास सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट मैजिक है इन दिस वर्ल्ड। तब लूसियस लूसीफेरो के हार्ट को निकालते हुए बोलता है हाउएवर इस वर्ल्ड में मैजिक यूज करने में जो लोग सुपीरियर है वो है ह्यूमंस। एंड यही पे सीन चेंज हो जाता है, हम लोग देखते हैं एक टाइम स्किप 1 साल 3 महीने के बाद एंड ये पैनल स्टार्ट ही होता है आस्था के साथ। यहाँ पे सारे मैजिक नाइट्स के लिए अवार्ड सेरेमनी रखा गया था एंड यहाँ पे ब्लैक बुल्स के आस्था को बुलाया जाता है। फिर आस्था को टाइटल मिलता है सीनियर मैजिक नाइट 1st क्लास का। यहाँ पे फ्रिगोलियन बोलता है डेमिनेटियो सडनली गायब हो गया एंड तुम्हारे डेविल ट्रायल की वजह से ये अवार्डिंग सेरेमनी की प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो हो गई। ऑल्दो भी आस्था को इनोसेंट घोषित कर दिया गया
लगता है आस्था का डेविल अच्छा है, बट फिर भी इस किंगडम में कुछ ऐसे लोग हैं जो आस्था को ट्रस्ट नहीं करते फॉर यूजिंग द पावर ऑफ ए डेविल। यहाँ पे आस्था के ऊपर जो केस चल रहा था वो सभी अभी क्लोज हो चुके हैं, एंड आस्था ने अभी जो से भी कुछ किया है आस्था को और ज्यादा मिलना चाहिए। आस्था अभी और भी ज्यादा डिजर्व करता है, आस्था की रैंक और भी ज्यादा ऊपर होनी चाहिए। तब आस्था बोलता है, मैं अभी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि आप लोग कैप्टन ने मुझे एक्नोलेज किया है। तब यहाँ पे फ्रिगोलियन बोलता है, अभी तुम अपने ड्रीम को अचीव करने के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, अभी तुम्हें कुछ ही स्टेप्स लेना है। तब फ्रिगोलियन बोलता है, यू नो अभी ऑलरेडी ग्रैंड मैजिक नाइट बन चुका है और सच को तो तुम्हें भी सेम टाइटल मिलना चाहिए। तब आस्था बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है यूनो को नीचे रहना, बट अभी भी हम दोनों में से किसी ने हमारे गोल को अचीव नहीं किया है। तब यहाँ पे रिल बोलता है, मेरा यंगेस्ट ग्रैंड मैजिक नाइट बनने का रिकॉर्ड अभी टूट चुका है। तब फ्रिगोलियन बोलता है, तो अभी सब लोग एंजॉय करो, एक दूसरे के साथ बात करो, मजे करो। तब हम लोग देखते हैं ये लोग खाना खाते हुए बात करते हैं कि विजेट किंग अभी कहाँ पे गया है। तब कोई बताता है कि विजेट किंग की हॉबी है कि इधर उधर घूमते फिरो ट्रांसफॉर्म होके, तो वो कहीं भी हो सकता है। आस्था तब यहाँ पे बोलता है, मैंने सुना था कि कैप्टन फ्रिगोलियन, कैप्टन नोजल एंड मेरोलियोना ये सभी नॉमिनीज है नेक्स्ट विजेट किंग बनने के लिए। तब नोजल बोलता है, उस विचार को अभी होल्ड पे रखा गया है क्योंकि हमसे भी लोगों ने मना कर दिया था। तब यहाँ पे फ्रिगोलियन बोलता है, अभी जो डेविल्स के साथ हम लोगों ने बैटल किया था उसकी वजह से मैं रियलाइज कर पाया कि मैं अभी भी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, एंड मेरी सिस्टर के बारे में छोड़ दो, वो विजेट किंग बनना नहीं चाहती है, वो इतना ज्यादा बड़ा भार लेना नहीं चाहती है। इसके अलावा अभी स्पेड किंगडम एंड हार्ट किंगडम ये दोनों ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रिकवर होने वाले है, एंड हमारे कॉन्टिनेंट में अभी पीस चल रहा है, शांति में हमारा कॉन्टिनेंट है, बट हमें पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, इसलिए हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। इवन नाउ क्लोवर किंगडम के बॉर्डर में हम लोग बहुत सारे डेमोनिक एक्टिविटीज देख रहे हैं। गोल्डन डॉन को एंड ब्लैक बुल्स के मेंबर्स को भेजा गया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एंड उन्होंने ये सब कुछ अभी प्रूव कर दिया है। तभी यहाँ पे कैप्टन हमें खाना खाते हुए बोलता है, अभी सभी लोग यहाँ पे गेदर हुए हैं हमारे ब्रैट्स की वजह से। तभी यहाँ पे जैक बोलता है, एक दिन तो मैं इस बंदे को काट डालूंगा साले को, एंड यहाँ पे यामी को देख के साइलेंट यहाँ से भाग जाती है। यामी को भी समझ नहीं आता यहाँ पे क्या चल रहा है। यामी बोलते है, साइलेंट अभी बहुत ही ज्यादा फ्रैंकी एक्टिंग कर रही है। स्पेड किंगडम के कांड के बाद वो जब भी यामी से मिलती है वो भाग जाती है, वो कुछ भी बोलती नहीं है। तब यहाँ पे फिनरेल बताता है यामी को, आप क्या बोल रहे हो, आप जब मरने वाले थे तब साइलेंट ने आपको कॉन्फेस किया है, तो आप लोगों के बीच में सच में कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ पे फिनरेल सोच रहा था कि कैप्टन यामी एंड साइलेंट ये दोनों डेट कर रहे हैं, बट कैप्टन यामी को पता ही नहीं है, वो चेड है हमारा। यहाँ पे फिनरेल सोचता है, मैं इसके बारे में जानना चाहता था बहुत पहले ही, बट फिनरेल ने कभी भी पूछा नहीं था क्योंकि उसकी फट रही थी। तब कैप्टन यामी बोलता है, अभी मैं हगने जाऊंगा, एंड यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे कैप्टन यामी हगते हुए सोचता है, इन सब का मीनिंग क्या है, साइलेंट मुझसे प्यार करती है? नो, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मुझसे बहुत ही ज्यादा हेट करती थी, बट उसकी की बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, क्या ये लव है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो वो इसलिए भागी थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शर्मिली है, उसे शर्म आ रही थी। सीरियसली, फॉर रियल, क्या अभी साइलेंट इसके बाद ऐसा ही करने लगेगी? यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिनरेल यामी को बुलाने के लिए आता है, वो बोलता है, यामी आप कितने देर से टॉयलेट में रहोगे, अभी टाइम हो चुका है, सभी लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तभी हम लोग देखते हैं आस्था हिम्मत जुटा के बोलता है, ऑलराइट टुडे आई एम गोना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नोएल को, जो सोचती है, जब से मैंने रियलाइज किया है अपनी फीलिंग्स को आस्था के बारे में, तब से मैं बहुत ही ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस बन चुकी हूँ टू हैव ए प्रॉपर कॉन्वर्सेशन विथ हिम। हम लोग देखते हैं यहाँ पे नोएल शर्माते हुए आस्था को बोलती है गुड मॉर्निंग एंड भाग जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे मिमोसा भी सोचती है, एवर सिंस आस्था को प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करने के बाद मैं सिर्फ एक ही बात सोच सकती हूँ। तभी नोएल एंड मिमोसा एक साथ सोचते है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो भी मैं कर सकती हूँ। तभी नेरो जाती है इनके बीच में, जंग छिड़वा देती है। नेरो जाके इनके कान में खुसुर फुसुर करती है, एंड उनको पता चलता है कि आस्था अभी कन्फेस करने वाला है। ये दोनों शर्म से पागल हो जाते हैं, ये लोग प्रॉपरली कुछ भी बोल नहीं पाते कि आस्था इनको कन्फेस करने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एंड नेरो पूरा मजा लूट रही थी इनको देख के। तभी ये लोग बाहर जाके देखते हैं आस्था कन्फेस करता है सिस्टर लिली को, सिस्टर लिली क्या आप मुझसे शादी करोगे, मैं अभी 18 साल का हो चुका हूँ, एंड ये मेरा लास्ट प्रपोज होगा, इसके बाद मैं आपको प्रपोज नहीं करने वाला हूँ, एंड मैं डेफिनेटली आपको खुश रखूंगा, सो प्लीज सिस्टर लिली मैरी मी। तब नोएल एंड मिमोसा ये लोग सोचते है वेट होल्ड ऑन। तब सिस्टर लिली सोचती है यू रियली हैव बिकम क्वाइट यंग मैन। सिस्टर लिली बोलती है हाउएवर सॉरी, मैं तुम्हें अपने छोटे स्वीट ब्रदर की तरह देखता हूँ, एंड इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। आस्था बोलता है मैं समझता हूँ, अंटिल नाउ मैं गिव अप करना नहीं चाहता था, बट मुझे पता चल चुका है समटाइम तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो कि लोग क्या सोचते है, इसलिए प्लीज विटनेस मैंने जो वादा किया था वो रिमेन रहेगा, मैं उसको चेंज नहीं करने वाला हूँ, आई विल बिकम द विजेट किंग। एंड यहाँ पे आस्था हंसता है, बट हम लोग देख सकते है आस्था यहाँ पे रोने वाला था। यहाँ पे सिस्टर लिली सोचती है आस्था तुम बहुत ही
ज्यादा अमेजिंग हो। आई एम सॉरी, मैंने ये कभी भी नहीं कहा था इससे पहले, बट मुझे अब लगता है मैं अभी बोल सकती हूँ। सिस्टर लिली यहाँ पे बोलती है, मुझे पता है तुम कर सकती हो। तब यहाँ पे एंट्री हो जाती है विजेट किंग की। नहीं, ये विजेट किंग नहीं है, ये है लूसियस, जो बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन इस चीज को इतना दूर खींचने के लिए, बट अभी सब कुछ खत्म होने वाला है। एंड यही पे चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 333 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं एक बंदे को जो चेयर में बैठा हुआ था। यहाँ पे ये बंदा सोचता है, मैंने बहुत सोचा है इसके बारे में। हमारे फैमिली के हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट पोटेंशियल रखता है टू बी ए डेविल होस्ट एन एक्सेप्शनल बीइंग, जो जन्म लिया था दो सोल के साथ, जिसने एक ही चांस में सुप्रीम डेविल आस्था रोड को, जो टाइम मैजिक का यूज करता है, उसके साथ बॉन्ड बना लिया था, एक क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए, हम लोग कौन है, हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या करना है। तब हम लोग देखते हैं इस बंदे के अंदर जो दो सोल्स है उनमें से एक है लूसियस, दूसरा है जूलियस। यहाँ पे लूसियस बोलता है, जूलियस मैंने सब कुछ देख लिया है, मैंने फ्यूचर देख लिया है, मैंने इस वर्ल्ड के ट्रू पीस को देख लिया है। तब जूलियस बोलता है, ये नहीं है इस वर्ल्ड का ट्रू पीस। यहाँ पे लूसियस बोलता है, मैंने पहले ही देख लिया है तुम मुझे रोकने का ट्राई करोगे, एंड ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, तुमसे ज्यादा क्लोज मेरे साथ कोई भी नहीं है, एंड येट तुम मुझे समझते नहीं हो। तब जूलियस बोलता है, तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो। फिर लूसियस बोलता है, अभी सब कुछ ठीक है, मैंने सब कुछ देख लिया है, हम लोग इस वर्ल्ड में पीस ला पाएंगे। तभी हम लोग देखते सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये बंदा लूसियस आस्था के पास आता है। सभी लोग सोच रहे थे कि ये विजेट किंग है। आस्था भी पहली बार बोलता है विजेट किंग। फिर आस्था बोलता है, नहीं तुम विजेट किंग नहीं हो, तुम कौन हो। तभी यहाँ पे जूलियस पूरी जगह में टाइम मैजिक का यूज करता है एंड सभी लोगों को फ्रीज कर देता है। आस्था भी कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गया था। तभी लूसियस आस्था को टच करने के लिए जाता है एंड आस्था का एंटी मैजिक एक्टिव हो जाता है। तब लूसियस खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है आस्था से दूर, क्योंकि आस्था का एंटी मैजिक उसको डैमेज दे सकता था। लूसियस बोलता है, सो दिस इज द एंटी मैजिक जो नेचुरल लॉ के मुंह पे मूत देता है। यहाँ पे आस्था देखता है सभी लोग रुक चुके थे, कोई भी हिल नहीं पा रहा था, एंड ये विजेट किंग का मैजिक है, बट ये स्पेल बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। यहाँ पे लूसियस आस्था को बोलता है, ये ह्यूज है बिकॉज मैंने लूसीफेरो को एब्जॉर्ब किया है। एंड आस्था यहाँ पे सोचता भी है कि मैं इस बंदे से लूसीफेरो के की को सेंस कर पा रहा हूँ। एंड आस्था बोलता है, ये सब कुछ क्या चल रहा है, तुम जूलियस हो बट तुम जूलियस नहीं हो, तुम इंसान हो बट तुम इंसान नहीं हो, तुम कौन हो, तुमने विजेट किंग के साथ क्या किया है। देन यहाँ पे ये बोलता है, मैं लूसियस जोग्रेटिस हूँ, सेवियर ऑफ दिस वर्ल्ड। विजेट किंग अभी मर चुका है, उसने अपना मिशन कम्प्लीट कर दिया है ट्रू पीस के लिए, जहाँ पे कोई भी सैडनेस नहीं होगा, कोई भी हेट्रेड नहीं होगा, कोई भी वॉर नहीं होगा, कोई भी ऊंच नीच व्यवहार नहीं होगा। लूसियस यहाँ पे ग्रेविटी मैजिक का यूज करते हुए बोलता है, हम लोग सभी ह्यूमंस को रिपेयर करेंगे, मैं और मेरे सिविलियंस अभी सभी ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, एंड उसके बाद हमारे मैजिक से हम लोग उनको फिर से रिक्रिएट करेंगे, एंड हम लोग उनको फॉर्चुनेट पीपल्स में बदल देंगे, जो लोग समान होंगे इन एवरी रिस्पेक्ट, एंड ये सब कुछ देखभाल करने के लिए मैं इस वर्ल्ड का रूलर बनूंगा एज द फाइनल विजेट किंग। तब आस्था बोलता है, तुम यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। लूसियस बोलता है, ये सब कुछ ठीक है, एक्सपेक्ट फॉर वन थिंग एंड वो हो तुम। इस वर्ल्ड के फ्यूचर के लिए तुम्हारे जैसे दाग को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तब आस्था बोलते हैं, हाँ ठीक है। फिर चिल्ला के बोलता है, साले तू किसको फ्लॉ बोल रहा है, किसको दाग बोल रहा है, यू जर्क। इन अदर वर्ड्स, तुम एक बुरे बंदे हो जिसने हमारे विजेट किंग की बॉडी को हाईजेक कर लिया है, एंड तुम बोल रहे हो सारे ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय कर दोगे। हमारे विजेट किंग ने अपनी जान लगा के इन सभी लोगों को बचाया है, एंड हम लोग विजेट किंग को ऐसे ही देखते हैं, सभी लोग ऐसे ही देखते हैं, एंड ऐसा भी नहीं है कि विजेट किंग इतना ज्यादा इजीली मर जाएगा, तो मैं तुम्हें यहाँ पे रोकने वाला हूँ और सभी को बचाने वाला हूँ। तब लूसियस यहाँ पे बोलता है, मैं अभी जूलियस से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ, कैसे रोकोगे तुम मुझे। आस्था तब बोलता है, इन दैट केस मैं अभी इस मोमेंट पे विजेट किंग को सरपास कर दूंगा। आस्था यहाँ पे अपने एंटी मैजिक का यूज करके लूसियस के इतने ज्यादा बड़े स्पेल को तोड़ देता है, एंड यही पे चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 334 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें बताया जाता है, आस्था अपने डेविल इंडियन मोड को अपने बॉडी के एक पार्ट में ही फोकस करता है एंड एंटी मैजिक को डिस्चार्ज करता है। आस्था इस चीज को 10 मिनट के लिए कंटिन्यूसली यूज कर सकता है। यहाँ पे आस्था अपनी बॉडी को एंटायर कवर नहीं करता है, आस्था सिर्फ अपनी बॉडी के एक पार्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है, जहाँ पे उसका एंटी मैजिक और भी ज्यादा डेंसर एंड स्ट्रॉन्गर बन जाता है। तभी आस्था अटैक कर देता है लूसीफेरो के ऊपर अपने सॉर्ड से, जिससे लूसीफेरो बच जाता है। लूसीफेरो यहाँ पे खुद को टेलीपोर्ट कर रहा था। आस्था तब सिस्टर लिली को यहाँ से भागने के लिए बोलता है एंड लूसीफेरो के ऊपर अटैक करने लगता है। तब लूसीफेरो अपने टाइम मैजिक का यूज करके अटैक करता है आस्था के ऊपर। तब यहाँ पे नैरेटर हमें बताता है, जो सभी स्पेल्स टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो इनविंसिबल होते हैं। नेचुरल वर्ल्ड में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो स्पेल को डिफाई कर सकता है, उसे रोक सकता है। हाउएवर इनके जैसे इनविंसिबल मैजिक के लिए एंटी मैजिक इनका नेचुरल एनिमी है, एंटी मैजिक इनके स्पेल को तोड़ सकता है। हम लोग ऐसा देखते भी है, आस्था यहाँ पे लूसियस के सारे स्पेल्स को काटते हुए जा रहा था एंड लूसियस कुछ भी नहीं कर पाता है। तब लूसियस एक बड़ा स्पेल फेंकता है आस्था के ऊपर, जिसे आस्था अपने डिमन डिस्ट्रॉयर से तबाह कर देता है। तब यहाँ पे आस्था फाइट कर रहा था जिस घर के छत में, उस घर के नीचे हम दो लोगों को देखते है, आस्था उनको भागने के लिए बोलता है। तभी लूसियस आस्था को टच करते हुए बोलता है, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा न्यूसेंस हो। तभी आस्था अपने कटाना से लूसियस को काटने का ट्राई करता है, बट लूसियस
लुसियस यहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। लुसियस यहाँ पे सोचता है मैंने इसे छुआ बट यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। लुसियस तब बोलता है मुझे पता है एंटी मैजिक के ऊपर सिर्फ फिजिकल अटैक्स काम करेंगे। तब लुसियस अपने हाथ से ही आस्था को मारने के लिए आता है। आस्था लुसियस के एक पंच से बचता है एंड ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस घर के छत को ही तोड़ देता है। तब आस्था सोचता है ये बंदा हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इतना ज्यादा पावरफुल है ये बंदा उस डेविल किंग की तरह है। बट यहाँ पे एक चीज अलग है हम लोग यहाँ पे पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं। तब आस्था यहाँ पे लुसियस के अटैक से बचते हुए लुसियस के पेट में लात मार के लुसियस को फेंकता है एंड उसके ऊपर अपने डिमन ड्वेलर शॉर्ट से एक स्लैश मार देता है जिससे लुसिफेरो टेलीपोर्ट करके बच जाता है। तभी यहाँ पे आस्था यूज करता है अपने डिमन डिस्ट्रॉयर का एंड लुसिफेरो के मैजिक को कुछ टाइम के लिए नलीफाई कर देता है। फिर आस्था लुसिफेरो के ऊपर एक स्लैश मार देता है एंड आस्था सोचता है इसे काम करना चाहिए। तब लुसिफेरो बोलता है मैंने तुमसे कम एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम्हारी ताकत इस वर्ल्ड के पीस को धमकी दे सकती है। हाउएवर एज लॉन्ग एज मैं यहाँ पे हूँ ऐसा नहीं होगा। तब यहाँ पे लुसिफेरो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है। तब लुसियस यहाँ पे बोलता है जब मैंने एक डेविल होस्ट के फैमिली में जन्म लिया था मैंने ऐसा मैजिक सीखा है जो डेविल के पावर को प्यूरिफाई कर सकता है एंड इंसानों को और भी ज्यादा स्केर्ड पावर दे सकता है। यह है ह्यूमैनिटी का ट्रू फॉर्म। आस्था यहाँ पे सोचता है इसकी की बहुत ही ज्यादा अलग है ये ना ही ह्यूमन है ना ही डेविल है। बट लुसियस यहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है। आस्था यहाँ पे प्रिडिक्ट कर लेता है लुसियस कहाँ पे टेलीपोर्ट हो रहा है एंड वो पीछे मुड़ के देखता है कि लुसियस ने सिस्टर लिली को पकड़ लिया है। लुसियस यहाँ पे सिस्टर लिली को पकड़ के बोलता है मेरा मैजिक है सोल मैजिक जो किसी के भी सोल को ट्रांसफॉर्म कर सकता है जिसको भी मैं छू एंड ये सोल ह्यूमन के लाइफ स्पिरिट एंड मैजिक का सोर्स है। तब आस्था लुसियस को बोलता है तुम क्या बोलने का ट्राई कर रहे हो। आस्था यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था अगर आस्था लुसियस के ऊपर डिमन ड्वेलर से अटैक करेगा देन वो सिस्टर लिली को भी काट देगा एंड आस्था टाइम में डिमन स्लेसर को निकाल भी नहीं सकता है। तब लुसियस बोलता है लेट मी शो यू ए ह्यूमन जो बहुत ही ज्यादा हैप्पी है। यहाँ पे लुसियस सिस्टर लिली को एक पैलाडिन बना देता है। सिस्टर लिली यहाँ पे बोलते है आस्था इस वर्ल्ड के पीस के खातिर तुम्हें मरना पड़ेगा। तभी हम लोग देखते हैं लुसियस यहाँ पे आस्था के छाती को चीर देता है। लुसियस बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगी गुड बाय फ्लॉप द वर्ल्ड। आस्था यहाँ पे नीचे गिर रहा था एंड यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 335 से जहाँ पे हम लोग देखते हैं लुसियस ने आस्था को फेंक दिया था काट के। आस्था एक घर के छत में गिरता है। आस्था यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डैमेज था। आस्था बोलता है अभी भी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ। लुसियस तो आस्था को बोलता है तुम ये सब कुछ बंद करो तुम्हारे पास अभी हिलने का भी ताकत नहीं है तुम कुछ ही मिनट्स में मरने वाले हो। तभी हम लोग देखते हैं नोएल मिमोसा नेरो ये तीनों ही कूद जाते हैं आस्था को बचाने के लिए। यहाँ पे नोएल सी ड्रैगन रोर से अटैक करती है इनके ऊपर बट यहाँ पे सिस्टर लिली नोएल के अटैक को रोक लेती है अपने स्पेशल मैजिक से। तब लुसियस बताता है ये ब्लिजेबब की पावर है। लुसियस ने यहाँ पे अपने सोल मैजिक का यूज किया है ब्लिजेबब के पावर को प्यूरिफाई करके इनकार्नेट कर दिया है। तब यहाँ पे नोएल सोचती है सोल मैजिक ऐसा हो भी सकता है आफ्टर ऑल ये विजर्ड किंग है। नोएल को यहाँ पे पता नहीं था कि ये लुसियस है। नोएल सोचती है यहाँ पे सब कुछ क्या चल रहा है। नोएल बोलती है तुम कौन हो तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो। तब यहाँ पे लुसियस बोलते हैं अंडरवर्ल्ड के सारे डेविल्स का कंट्रोल मेरे पास है एंड सारे डेविल्स जो लोग अदर लेवल में रहते हैं उनका कंट्रोल भी मेरे पास है। ह्यूमंस जो लोग डेविल का यूज करके एक नया फॉर्म अचीव करेंगे वो लोग विजडम एंड नियरली इमोर्टल बॉडीज को अचीव करेंगे एंड सी विल बी द वन ऑफ द फर्स्ट एंड मैं उनको बोलना चाहूंगा पैलेडिन्स वॉरियर्स जो लोग फाइट करते हैं फॉर द सेक ऑफ दिस वर्ल्ड एंड मैं इस वर्ल्ड को रूल करूंगा। अगर देखा जाए तो मेरी पावर से विजर्ड किंग को कंपेयर किया नहीं जा सकता तो मैं बनने वाला हूँ विजर्ड एम्परर। तभी यहाँ पे नेरो एंड मेमोस जाती है आस्था को हील करने के लिए बट यहाँ पे सिस्टर लिली ने इन सभी को ट्रैप कर दिया था स्पेशल मैजिक स्केयर्ड डेविल कंट्रोल के अंदर। यहाँ पे नोएल अपने स्पेल को कंट्रोल नहीं कर सकती है। तब यहाँ पे सिस्टर लिली बोलती है इन ए केज ऑफ सेवर्ड स्पेस किसने सोचा था मैं ऐसा एक स्पेल यूज कर सकती हूँ। मास्टर लुसियस की पावर बहुत ही ज्यादा स्प्लेंडेड है। डोंट वरी अभी सब कुछ ठीक होने वाला है तुम लोगों को समझने में ज्यादा टाइम लगने नहीं वाला है कि मास्टर लुसियस सही है। तब सिस्टर लिली आस्था के ऊपर अटैक करती हुई बोलती है आस्था मुझे माफ कर दो बट तुम्हारी मौत इस वर्ल्ड में ट्रू पीस हैप्पीनेस को ले आएगा। तब यहाँ पे आस्था मरते हुए एक ही बात बोल रहा था सिस्टर लिली मैं वादा करता हूँ मैं आपको बचा के रहूंगा। हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिस्टर लिली अपना मैजिक यूज करते हैं एंड आस्था यहाँ से गायब हो जाता है। आस्था कहाँ पे जाता है क्या होता है आस्था के साथ कुछ भी नहीं पता। यहाँ पे नोएल नेरो एंड मिमोसा इस चीज को देख के बहुत ही ज्यादा शौक में चले जाती है। लुसियस बोलते है अभी ये सब कुछ हो चुका है अब मैं मेरा आइडियल वर्ल्ड बनाने वाला हूँ जिसमें कोई भी फ्लॉ नहीं होगा कोई भी दाग नहीं होगा एंड ये जजमेंट डे आने वाला है 7 दिनों के बाद एंड ये होने वाला है ह्यूमैनिटी का फाइनल होली वॉर जो इस वर्ल्ड में पीस लाएगा। हम लोग यहाँ पे लड़ने वाले एक ऐसे वर्ल्ड बनाने के लिए जहाँ पे कुछ भी वॉर जैसा एग्जिस्ट नहीं करने वाला है एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है मैंने ऑलरेडी देख लिया है बट एनीवे तुम लोग फाइट करोगे वोंट यू मैंने सब कुछ देख लिया है एज वेल। तभी हम लोग देखते सारे कैप्टन यहाँ पे कूद जाते हैं। यहाँ पे वेंजेंस देखते जूलियस को एंड यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा शॉक था। यहाँ पे सबको समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है ये मैजिक क्या है ये क्या मास्टर जूलियस है। यहाँ पे कैप्टन यामी बोलता है ये उसका मैजिक नहीं है इसका की भी अलग है बट इसका फेस एंड बॉडी ये
जूलियस का है। यामी यहाँ पे चिल्ला के बोलते हैं जूलियस, बट यहाँ पे जूलियस खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है। यही पे यह चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 336 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं सारे लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि विजेट किंग हमारा दुश्मन है, ऐसा नहीं हो सकता, उसने हमें बचाने के लिए अपने लाइफ को रिस्क में डाल दिया था, बट यहाँ पे हमारे पास विटनेस है, अगर ऐसा सच में है देन हमारे किंगडम का क्या होने वाला है। तभी हम लोग यहाँ पे देखते सारे मैजिक नाइट्स को जो यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे। यूनो यहाँ पे आता है एंड उसे पता चलता है आस्था मारा जा चुका है। यूनो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शॉक था पहले। फिर यहाँ पे ये लोग बात करते हैं कि सारे रिपोर्ट्स को देख के पता चलता है आस्था मारा जा चुका है। तो अब रील यहाँ पे बोलता है ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था एक पार्टी से, बट अभी लग रहा है ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि आस्था भी मारा जा चुका है। यहाँ पे कैप्टन नामी बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहे थे, वो बोलता है नेच। तब हम लोग देखते हैं नेच यहाँ पे एक शैडो से अपीयर हो जाता है एंड बोलता है मैं जिसको चूज करूँ मैं उसके शैडो में आ जा सकता हूँ, बट यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं आस्था के शैडो में ट्रेवल नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब आस्था किसी भी अनदर कॉन्टिनेंट, अनदर डायमेंशन या फिर बहुत दूर हो सकता है, इसके अलावा आस्था मारा भी जा सकता है। तो अभी यहाँ पे फ्रिगोलियन बोलता है सारे चीजों को देख के ये मैं बता सकता हूँ लॉर्ड जूलियस या फिर बोलो लूसियस क्लियरली हमारा एनिमी है। यहाँ पे जैक बोलता है किसने सोचा था विजेट किंग ऐसा निकलेगा, ऐसा लगता है एल्फ्स के साथ जैसा हुआ था यहाँ पे वैसा ही हुआ है। तो अभी यहाँ पे नोजल बोलता है अगर ये बंदा जोग्रेटिस है देन ये बंदा ब्लड रिलेटेड है डार्क टाइड के, जिसने अंडरवर्ल्ड के सारे डेविल्स को अपने कंट्रोल में रखा है, मतलब इस बंदे की पावर बहुत ही ज्यादा ग्रेट है उन डार्क टाइड के मेंबर्स से। तब यहाँ पे रील बोलता है इसके ऊपर से इस बंदे के पास लूसीफर का मैजिक एंड हमारे विजेट किंग का मैजिक टाइम मैजिक भी है, अगर ऐसा सच में है देन हम लोग लिटरली यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। तो फ्रिगोलियन भी बोलते हैं हाँ हम लोग कुछ नहीं कर सकते है, अगर इसकी बॉडी इतना ज्यादा स्टडी है एंड ये बंदा इजीली इतना ज्यादा बड़ा स्पेल एक्टिव कर सकता है देन सच में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तब यहाँ पे यूनो बोलता है जब हम लोग इन्वेस्टिगेट करने गए थे डेविल एक्टिविटीज के ऊपर, वहाँ पे हम लोग एक सुप्रीम डेविल्स के साथ बहुत सारे डेविल्स को भी देखे थे एंड ये सुप्रीम डेविल वही डेविल है जिसको उन लोगों ने पहली बार देखा था स्पेड किंगडम में जब वो लोग फाइट कर रहे थे लूसीफर के साथ, एंड इसके साथ बहुत सारे हायर डेविल्स भी थे, बट ये क्लियरली एक फेंट था, वो लोग यहाँ पे सिर्फ हमारा टाइम बर्बाद कर रहे थे, वो सुप्रीम डेविल कुछ भी नहीं कर रहा था, वो सिर्फ आया देखा एंड भाग गया। यूनो बोलता है लूसियस ने प्रोबेबली उनको इस काम के लिए रखा था एंड यहाँ पे इतने सारे डेविल्स थे, यहाँ पे ये भी पॉसिबल है हमारे वर्ल्ड एंड अंडरवर्ल्ड का गेट खुल चुका है। तब यहाँ पे फ्रिगोलियन बोलता है लूसियस का खुद का मैजिक है सोल मैजिक, ये कम्प्लीटली अननोन मैजिक है एंड हमें उस नन को देख के पता चला कि वो बंदा माइंड कंट्रोल भी कर सकता है, देन वो बंदा इनको डेविल की पावर्स भी देता है एंड इनको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। तब हम लोग देखते हैं मोटा पर्पल ऑर्कर्स का लीडर बोलता है तब तो ऐसे बहुत सारे लोग एक वीक के बाद जजमेंट डे के दिन अटैक करेंगे। यूनो यहाँ पे बोलता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें ये करना ही पड़ेगा। इसी बीच हम लोग देखते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक, ये फ्लैशबैक था आवर सेरेमनी के कुछ टाइम बाद। आस्था यहाँ पे बोल रहा है मुझे बहुत ही ज्यादा जलन हो रहा है बट मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट करने वाला हूँ ग्रैंड मैजिक नाइट बनने के लिए, कांग्रेचुलेशन यूनो यू जर्क, एंड अभी मुझे बहुत ही ज्यादा जलन होती है तुम्हें देख के क्योंकि तुम मुझसे हर समय आगे रहते हो। आस्था यहाँ पे बोलता है हंसते हुए आई स्वेयर आई विल कैच अप एंड मैं तुमसे पार निकल जाऊंगा यूनो, ये बात तुम याद रखना भूलना मत। तब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट में जहाँ पे यूनो बोलता है वही बंदा है जो ऑलवेज मेरे से आगे निकल जाता है, अगर आस्था सच में मर गया है, अगर आस्था वापस नहीं आने वाला है देन मैं उससे आगे निकल जाऊंगा एंड लूसियस को हरा के विजेट किंग बनने वाला हूँ। तभी हम लोग देखते सीन चेंज हो जाता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं एड्रामेलक लूसियस के पास जाता है, लूसियस यहाँ पे एक चेयर में बैठा हुआ था, इस साइड हम लोग देखते हैं डेमनेटियो एंड सिस्टर लिली को और दूसरी तरफ हम लोग दो फिगर्स को देखते हैं। ये दोनों कौन है मुझे पता है, मैं आपको बता सकता हूँ बट ये स्पॉइलर हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। यहाँ पे एड्रामेलक बोलता है मैं कभी भी विश्वास नहीं करती कि एक ह्यूमन इतना ज्यादा लेवल अप कर सकता है एक साल एंड कुछ महीने के अंदर। यहाँ पे एड्रामेलक बात कर रहा था यूनो के बारे में, यूनो ने सारे हाई लेवल के डेविल्स को अकेले ही इंस्टेंटली मार दिया था। तब यहाँ पे लूसियस बोलता है मैंने 10,000 से भी ज्यादा फ्यूचर्स देखे एंड वहाँ पे एक टाइम जहाँ पे वो लोग एडवांटेज में रहते है, यहाँ पे एक ही की है कि वो बंदा जिसके पास दो ग्रिमोर है, स्पेड किंगडम का एक ग्रिमोर एंड फोलिप क्लोवर द चाइल्ड ऑफ एल्फ लीडर एंड शिल्प ने जिसे चूज किया है स्पेड किंगडम के थ्रोन का राइटफुल ओनर यूनो ग्रीन बैरियल, इस वर्ल्ड के पीस के लिए हम लोग उसे क्रश कर देंगे खत्म कर देंगे। तभी हम लोग देखते हैं आस्था को जो कहीं तो पड़ा हुआ था समुन्दर के पार एंड एक बंदा आता है जो बोलता है हे डियर तुम यहाँ पे हो। यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन गुड बाय।